Hello my dear students and friends, this is Computer Concepts AK Pandey. Welcome to my YouTube channel. Today in this video I am going to discuss about date and time handling in Python. Python में आपको पता है कि Python का कोई अपना data type नहीं है date के लिए. इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी. कुछ बच्चे CS के प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे थे, उसमें उनको डेट एंड डेट हैंडलिंग की ज़रूरत पड़ रही थी. तो उन्होंने कहा कि सर अगर ये इस पर एक कोई वीडियो होती छोटी सी, बिकॉज दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ क्लास 11th 12th CS एंड IP करिकुलम, दिस इज़ एक्स्ट्रा देन दैट. लेकिन प्रोजेक्ट में उन्हें ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सर इस पर एक छोटी वीडियो होती जो सिंपल डेट हैंडलिंग आप बता देते तो दैट बिकम्स बेटर फॉर अस. तो मैंने कहा ओके, कोई बात नहीं, मैं आपको प्रॉब्लम शॉर्ट आउट कर देता हूँ. तो इसके चलते मैंने ये वीडियो बनाना वो उचित समझा उन बच्चों के लिए, और इसी के साथ साथ और भी लोगों के काम आ जाएगा जो जनरल प्रोग्रामिंग करते हैं पाइथन में. डेट हैंडलिंग सिंपल यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ थ्रू दिस वीडियो. सॉरी. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि पाइथन का जो कोई अपना डेटा टाइप नहीं है डेट की तरह, जैसा कि MySQL में है अब डेट एंड टाइम डेटा टाइप. तो यहाँ पर हम लोग एक मॉड्यूल इम्पोर्ट करेंगे डेट टाइम. तो इस मॉड्यूल के थ्रू हम डेट ऑब्जेक्ट को थोड़ा हैंडल करेंगे. ठीक है, तो लेट अस कम टू द पाइथन. पाइथन में मैं आपको आकर के बताता हूँ. सबसे पहले मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट डेट टाइम. ठीक है, डेट टाइम की स्पेलिंग TE है, डेट टाइम. अब इस डेट टाइम के थ्रू अगर आप चाहते हैं आज का करंट डेट एंड टाइम डिस्प्ले करना इन द फॉर्म ऑफ सम स्ट्रिंग, तो आपको डेट टाइम मॉड्यूल के अंदर जो कंस्ट्रक्टर है डेट टाइम, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा. ठीक है, तो इसे कैसे आप यूज़ करेंगे, ध्यान से देखिए. मान लीजिए एक्स एक वेरिएबल है, ये डेट टाइम मॉड्यूल है, इसके अंदर ये डेट टाइम क्लास कह लीजिए, क्लास का कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पर एक फंक्शन है इसमें नाउ करके. नाउ फंक्शन आपने MySQL में भी पढ़ा होगा. ये कर देने से x के अंदर आज का करंट डेट टाइम आ जाता है. डेटा टाइम हो गया है, इसे ठीक करना पड़ेगा. डेट टाइम होना चाहिए, यहाँ पर डेटा टाइम हो गया है. अब आप अगर प्रिंट एक्स करते हैं तो यू विल गेट डेट, ये हो गई आपकी 2021-09-DD, फॉर्मेट है YY. ये इस फॉर्मेट में आपका डाटा यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, MM-DD और HH:MM:SS, और ये डॉट में आपका जो है माइक्रोसेकंड है, ये माइक्रोसेकंड इस फॉर्मेट में आपका डाटा यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है. राइट, समझ में आ गया होगा आपको कि हम करंट डेट एंड टाइम कैसे डिस्प्ले करें. राइट, इसके बाद अच्छा इसमें क्या क्या है, डेट में ईयर है, मंथ है, डे है, ये ईयर हो गया, ये मंथ है, ये डे है, ये आवर्स है, ये मिनट है, ये सेकंड है, और ये माइक्रो सेकंड है. कितने कंपोनेंट इसमें हैं, कोई भी कंपोनेंट हम प्रिंट कर सकते हैं. ठीक है, तो डेट एंड टाइम मॉड्यूल में बहुत सारे मेथड्स हैं जो इन इंफॉर्मेशन को आप रिटर्न करा सकते हो. फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि भाई इसका ईयर पोर्शन ले आइए, तो
तो मैं इसका ईयर पोर्शन ले आऊँगा, एक्स डॉट ईयर को आप प्रिंट करा लें, इसका ईयर पोर्शन 2021 आ जाएगा। सिमिलरली एक्स डॉट मंथ लिख देंगे तो इसका मंथ आ जाएगा 9। इसी तरह से एक्स डॉट डेट लिख दीजिए तो इसका डेट आ जाएगा, डे सॉरी एक्स डॉट डे इट इज़ गिविंग 30। और एक्स डॉट आर आर्स होगा या तो एक्स डॉट एच ओ यू आर ठीक है 22 आर कितने मिनट, तो डॉट मिनट, सेकेंड के लिए डॉट सेकेंड ठीक है, एक्स डॉट मिनट 46 मिनट, एक्स डॉट सेकेंड 46। अब ये देखना पड़ेगा माइक्रो सेकेंड है कि नहीं है, लेट अस ट्राई माइक्रो सेकेंड, यस इट इज देयर। सो दैट वे ये सभी जो वैल्यूज आपकी आ रही हैं ये न्यूमेरिक हैं, इंट हैं। पता करना चाहें तो पता कर सकते हैं कि इफ आई राइट y इज इक्वल टू एक्स डॉट आर, तो y का टाइप अगर आप देखेंगे y में आ गया 22 ठीक है, और ये टाइप ऑफ y अगर आप देखेंगे तो ये आपको इंट बता देगा, इंटीजर टाइप वैल्यूज आप ले रहे हैं यहाँ पर राइट। इस तरह से आपने देखा कि इस डेट के कोई भी कंपोनेंट हम लोग निकाल सकते हैं, चाहे वो डेट हो, मंथ हो, ईयर हो, आर हो, मिनट, सेकेंड, माइक्रो सेकेंड इवन। तो कोई भी डेट क्रिएट करना है तो वी कैन यूज डेट टाइम क्लास कंस्ट्रक्टर ऑफ द डेट टाइम मॉड्यूल ठीक है। डेट टाइम मॉड्यूल क्लास रिक्वायर्स 3 पैरामीटर्स टू क्रिएट डेट, ईयर, मंथ और डेट आप डाल करके चाहें तो अपनी ओन डेट क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, लाइक इफ आई राइट डी टी इज इक्वल टू डेट टाइम, ये आपका मॉड्यूल हो गया और ये इस क्लास का कंस्ट्रक्टर हो गया डेट टाइम, और यहाँ पर आप 2000 से जो भी आप डालना चाहें डेट, आई एम पुटिंग 20 एंड कॉमा, उसके बाद आप मंथ दे दीजिए, मंथ आई एम गिविंग से 5 और डे आई एम गिविंग 13 ब्रैकेट क्लोज। तो आप डी टी प्रिंट कराएंगे तो इस तरह से दिखाएगा आपको ठीक है। प्रिंट डी टी लिखेंगे तो इस तरह से आपका डेट और टाइम, टाइम में यहाँ पर वो 00 ले रहा है स्ट्रिंग के फॉर्म में, आपको ये रिटर्न करता है ठीक है। तो आप इस तरह से डेट और टाइम का यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप एक काम और कर सकते हैं कि डेट और टाइम में से कुछ भी आपको रिटर्न कराना है और स्ट्रिंग के फॉर्म में, तो किसी भी फॉर्मेट में आप डे नेम संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे रिटर्न करा सकते हैं, डे ऑफ ईयर रिटर्न करा सकते हैं, टाइम का कोई भी पोर्शन रिटर्न करा सकते हैं। उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं, उन फॉर्मेट्स का हम लोग इस्तेमाल करके ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ क्या क्या फॉर्मेट अवेलेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपको वीक डे शॉर्ट वर्जन में वेडनेसडे, उस डेट को कौन सा डे है, तो ये परसेंटेज ए करके आप उसमें एक फंक्शन है strf टाइम स्ट्रिंग फॉर्मेट टाइम, तो वो उस फंक्शन का यूज़ करके, और जैसे ही आप फॉर्मेट देंगे आपका उस दिन कौन सा दिन है ये शॉर्ट फॉर्म में डे के नेम आ जाएंगे। फुल वर्जन चाहिए तो परसेंटेज कैपिटल ए दे देंगे। सिमिलरली वीक डे है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 चाहिए तो आपको ये परसेंटेज W देना पड़ेगा ठीक है। 0 इज संडे हेयर, परसेंटेज D देंगे तो आपको वो डेट मिल जाएगी।
परसेंटेज बी देंगे तो आपको उसका मंथ नेम मिल जाएगा, कैपिटल देंगे तो कंप्लीट मंथ नेम मिलेगा। सो दीज आर वेरियस फॉर्मेट्स, मंथ नंबर 1 to 12, और परसेंटेज वाई मीन्स ईयर शॉर्ट वर्जन विथ सेंचुरी। यहाँ पर ईयर आपका 18 आ रहा है, 21 आ जाएगा हमारी डेट के लिए, और ये फुल वर्जन 2021 आएगा। आर के लिए ये है, ये मिनट के लिए है, ये भी आर 0 to 12 आवर्स के लिए, ये 24 घंटे वाली जो सुई बताती है 0 से 23 घंटे तक, ये वैल्यूज़ आप इसमें से रिट्रीव कर सकते हैं किसी भी डेट पोर्शन से। ये बहुत सारे फॉर्मेट दिए हैं, एएम पीएम लगाना है आपको, मिनट चाहिए, सेकंड चाहिए, माइक्रो सेकंड चाहिए, और बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, इसमें से आप यूटिलाइज कर सकते हैं जो आपके काम का है। यहाँ तक फॉर्मेट है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि इन फॉर्मेट्स का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, और इन फॉर्मेट से जो भी फॉर्मेटिंग करेंगे वो स्ट्रिंग के फॉर्म में रिटर्न करेगा। ऑन लेटर ऑन यू कैन चेंज इट इनटू न्यूमेरिक यूजिंग इंट फंक्शन, ठीक है। तो आइए हम लोग एक करके देखते हैं। हमारे पास जो डेट है वो डीटी में आ गई है, आप देख सकते हैं डीटी में आपकी डेट तैयार है, आपने अभी अभी प्रिंट किया था, प्रिंट डीटी। सो यू आर गेटिंग 2025 एंड 13, यानी कि 13 मई 2020। इसकी फॉर्मेटिंग हम लोग करते हैं एक एक करके। सपोज कीजिए कि मैं इस दिन, इस डेट को कौन सा दिन था ये जानना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखिए। प्रिंट, दो एक फॉर्मेट आपको दिखा देता हूँ, एक्स डॉट, तो यहाँ एक्स नहीं डी टी डॉट है हमारा, डी टी डॉट, फंक्शन का नाम है strftime। स्ट्रिंग फॉर्मेट में हमें ये फंक्शन है स्ट्रिंग फॉर्मेट टाइम, strftime, और इसमें आप फॉर्मेट बता दीजिए। परसेंटेज से मैं स्मॉल ए लिखता हूँ, तो हमें देखना है कि ये क्या देता है। यहाँ पर ये प्रिंट का ब्रैकेट बंद नहीं हुआ था, देखिए WED वेडनेसडे के लिए दे रहा है, इस दिन वेडनेसडे था। और अगर मैं इसको थोड़ा यही कर देंगे, हम लोग यहाँ कर देंगे कैपिटल ए देते ही ये वेडनेसडे पूरा लिखेगा, देखिए ये वेडनेसडे पूरा आ रहा है। सिमिलरली परसेंटेज W देंगे स्मॉल में, तो ये आपको रिटर्न करेगा वीक डेज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जहाँ पर कि 0 जो है वो संडे कंसीडर होगा। यहाँ पर 3 है तो दैट मीन्स 0, 1, 2, 3, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनसडे, वेडनसडे के लिए 3 आ गया। सिमिलरली आप डे ऑफ मंथ देखना चाहते हैं, 13 आना चाहिए, वो मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ पर हम इसके लिए अप्लाई करेंगे परसेंटेज डी, दिस विल रिटर्न 13। अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि ये जो वैल्यू आ रही है स्ट्रिंग है कि न्यूमेरिक है 13, तो आप इसे एक वेरिएबल में ले लेता हूँ मैं, एक्स इज इक्वल टू, और ये चीज़ मैं इसमें डाल देता हूँ। तो लेट अस सी कि ये एक्स जो है, X13 क्या है, स्ट्रिंग आ रहा है, यानी कि ये सारी चीजें जो फॉर्मेट करके आप ले रहे हैं, रिटर्न करा रहे हैं, ऑल दीज आर स्ट्रिंग टाइप। अब स्ट्रिंग को न्यूमेरिक बदलना बड़ा आसान है, एक्स इज इक्वल टू इंट ऑफ एक्स कर लेना, अगर उसको न्यूमेरिक में जरूरत पड़ती है तो ये टाइप कास्टिंग इसको कर लेना, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। तो इस तरह से जो भी फॉर्मेट आप यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे मंथ का नाम आपको चाहिए तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं मंथ का नाम, इसके लिए फॉर्मेट है परसेंटेज बी, शॉर्ट फॉर्म ऑफ मंथ स्मॉल बी, ये देखिए मे आ गया। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर पूरा नाम देना चाहता हूँ तो मैं कैपिटल बी लिख दूंगा, आई विल राइट कैपिटल बी, सो दिस इज मे, पूरा नाम आ रहा है क्योंकि ये 3 लेटर का ही है इसलिए पूरा आ रहा है। अगर मैं इस डी टी को बदल दूं, इसमें मंथ में दिसंबर दे देता हूँ 12 करके, अब मैं इसको लेता हूँ तो ये देखिए दिसंबर आ रहा है कैप कंप्लीट, और इफ आई राइट स्मॉल बी सो DEC विल अपीयर। सिमिलरली मंथ नंबर भी आप ले सकते हैं परसेंटेज एम से, परसेंटेज एम से मंथ नंबर ले सकते हैं, 12 आ जाएगा,
सारे फॉर्मेट आपको मैं दिखा देता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इन फॉर्मेट्स का जहाँ पर आपको यूज़ हो उसे यूज़ कर लेना। अब सेंचुरी ईयर है, कौन सी सेंचुरी है, परसेंटेज सी है उसके लिए फॉर्मेट, परसेंटेज सी फॉर सेंचुरी, ये 20th सेंचुरी है, राइट। तो ये सभी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। परसेंटेज वाइज से ईयर आ जाएगा। अगर तो इस तरह से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी फॉर्मेट आप यूज़ करके अपना काम कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि कैसे आप डेट और टाइम अपना सेट कर सकते हैं। आपने यहाँ पर अपना डेट और टाइम सेट किया है, करंट डेट और टाइम के लिए मैंने आपको बताया ही था, करंट डेट एंड टाइम यहाँ से आपको मिल रहा है। डेट टाइम डॉट नाउ फंक्शन से ये पूरी स्ट्रिंग आ रही है इतनी बड़ी, इसमें से जो पोर्शन आप रिट्रीव करना चाहते हैं रिट्रीव कर सकते हैं फॉर्मेट्स के थ्रू, और कुछ फंक्शंस भी अवेलेबल हैं इनके थ्रू। आप ईयर फंक्शन है, मंथ फंक्शन है, डेट फंक्शन है, डे आर मिनट, ये सभी फंक्शन से इसके जो पोर्शन हैं डेट और टाइम के आप न्यूमेरिक टाइप में रिट्रीव कर सकते हो। स्ट्रिंग टाइप में करना है तो ये सारे फॉर्मेट्स हैं इनका, आपको फिर से मैं दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो एक इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट और एक इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसमें से कुछ ही जो फॉर्मेट्स हैं वो ज़्यादा यूज़फुल होते हैं तो आप ले सकते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए इसका एक मैं एप्लीकेशन दिखा देता हूँ। कई बार बच्चे प्रोजेक्ट बना रहे हैं, सपोज कीजिए लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम पर प्रोजेक्ट बना रहे हैं और उन्हें दो डेट्स के बीच की डिफरेंस निकालनी है, ठीक है। दो डेट के बीच का डिफरेंस निकालने के लिए उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, और तो कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए। जैसे आपने कोई बुक इशू किया, एंटर द डेट ऑफ इशू, DDMMYYYY, आपने इस वेरिएबल में ले लिया। DT ऑफ रिटर्न, एंटर द डेट ऑफ रिटर्न, इस फॉर्मेट में मैं डेट दे रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, जो इशू डेट है उसमें से और रिटर्न डेट दोनों में से इसके पोर्शन चॉप आउट कर लिए। DD क्या है, MM क्या है, YY क्या है, ये DD रिटर्न कॉलन टू DT रिटर्न से चॉपिंग कर लिया, स्ट्रिंग के फॉर्म में इनपुट है, और मंथ को चॉप कर लिया, MM की जो वैल्यू है इसे चॉप कर ली, 3:5, देखिए 0, 1, 2, 3, 3, 4 हमें चॉप करना है तो मैंने 3:5 दे दिया। ईयर आपको चॉप करना है छठे पोर्शन से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6th इंडेक्स नंबर ऑनवर्ड्स, और आपको डेट चॉप करना है तो 0, 1, 2, तो मैंने लिखा कॉलन 2। इसी तरह से ये तीन चीज़ें जो है डेट ऑफ रिटर्निंग के लिए है, ये तीन चीज़ें डेट ऑफ इशू के लिए हैं, और इसके अकॉर्डिंग मैंने D0, आप इसे D0 लिखना चाहते हैं या डेट ऑफ इशू लिखना चाहते हैं, मैंने DI ले लिया, और यहाँ पर D1 की जगह DR रिटर्न कर दिया मैंने, और DI और DR को मैं प्रिंट करा करके यहाँ से देख सकता हूँ कि क्या है दोनों में कैसी डेट आई है। इसे डेट टाइम डॉट डेट एक फंक्शन है डेट, और इसमें ये तीन वैल्यूज न्यूमेरिक मैंने डाल दी, ठीक है, इंट में यहाँ कन्वर्ट किया गया है, इससे ये डेट में कन्वर्ट हो गई, राइट। आप डेट में खाली कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डेट फंक्शन, डेट टाइम दोनों में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डेट टाइम, आप टाइम भी यहाँ दे सकते हैं आगे कॉमा लगा करके। 6 पैरामीटर, HH, MM और SS, सेकेंड, इवन माइक्रो सेकेंड ऑल्सो, तो उसकी ज़रूरत टाइम की हमें कम है, इसलिए केवल मैं डेट ले रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं डेट यूज़ करूँगा। डेट टाइम दोनों लेना होता तो मैं यहाँ डेट टाइम यूज़ करता, तो ये खाली मैंने डेट ले लिया, दोनों प्रिंट किया, और डेल्टा से मैं क्या करूँगा, DR और D0 की बजाय D issue, और डेल्टा ये दोनों का डिफरेंस हो गया डेट्स का, और डेल्टा डॉट डेज एक प्रॉपर्टी है इसकी, दोनों डेट्स का जो डिफरेंस आएगा डेट की प्रॉपर्टी, डेज से हम लोग
ये निकाल सकते हैं कि दोनों में कितने दिन का अंतर आएगा। तो अगर इस प्रोग्राम को हम लोग सेव करके रन कराते हैं और डेट ऑफ इशू मान लीजिए मैंने डाल दिया 16/9/2021/2021 और रिटर्निंग करता है बच्चा 21/09/2021 को, तो 5 दिन का डिफरेंस आना चाहिए। तो ये देखिए, ये तो पहली वाली डेट है, डेट में कन्वर्ट होके आ रही है, ये वाली डेट में कन्वर्ट होके आ रही है, दोनों के बीच का डिफरेंस 5 दिन आ रहा है। आप अगले महीने की डेट भी डालना चाहें तो इस प्रोग्राम को टेस्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने लिखा यहाँ पर 16/9/2021, अगले महीने की डेट में 3 अक्टूबर डाल देता हूँ। सो आई एम पुटिंग 03/10/2021, एंटर। तो आप देखिए 17 दिन का डिफरेंस आ रहा है, 14 डेज का डिफरेंस इस डेट में हो गया और 3 दिन का आगे हो गया, दैट मीन्स 17 डेज। तो इस तरह से दो डेट्स के बीच में आपने डिफरेंस निकाल लिया। अब ये 17 दिन में मान लीजिए आप 17 दिन का फाइन कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो पर डे फाइन मान लो 10 रुपये है, तो ये नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाइड बाय 10 कर सकते हैं, या आप 10 डेज एग्जेम्प्ट करते हैं उसके बाद वाले जो दिन हैं उसको 10 रुपीज़ पर डे के हिसाब से कैलकुलेट करा सकते हैं। व्हाट एवर इज योर कंडीशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ द फाइन फॉर द बुक टू बी रिटर्न, उस समय उसे फाइन बता के चार्ज किया जा सकता है। तो दिस इज वन एप्लीकेशन ऑफ डेट टाइम जिसके थ्रू में दो डेट्स के बीच का डिफरेंस निकाल लिया, नंबर ऑफ डेज में आ गया और उसके हिसाब से आई कुड कैलकुलेट द फाइन टू बी डिपॉजिटेड बाय द पर्सन हुई है हु हैज़ कम टू रिटर्न द पार्टिकुलर बुक। तो ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम जो मैंने अभी प्रोजेक्ट दिया उसमें इसका मैंने इस्तेमाल भी किया है, ये एक उसका एप्लीकेशन मैंने आपको दिखा दिया। बाकी डेट एंड टाइम हैंडलिंग थोड़ा बहुत कुछ लेवल तक आपको मैंने यहाँ पर इसको दिखाने की कोशिश की है, और इसे आप अपने उसमें यूज़ कर सकते हैं, प्रोजेक्ट वगैरह में कहीं पर ज़रूरत पड़ती है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से शुरू से कर देता हूँ मैं, स्टार्टिंग से, यस, यहाँ से इंपोर्ट से आपका चालू हुआ है, ठीक है, दिस वन, टेक द स्क्रीनशॉट। दो स्क्रीनशॉट आपका आ जाएगा, दूसरा यहाँ से ले लीजिए, तीसरा यहाँ से ले लीजिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे इन दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।